ये तमाम मेरे 15 डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी गुवाहाटी की हाईकोर्ट ने कहा कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग। ये सिर्फ पांच उंगली का खेल है, पांच उंगली की यात्रा समझ लीजिए। ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से, बड़ा साधारण सा काम होगा। अप्रैल के महीने में आपके घर कोई आएगा, सरकारी कर्मचारी, हो सकता है स्कूल के टीचर कोई आए, और फिर वो अपने ऑफिस में बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि हम जो हैं वो सिटीजंस हैं या हम डाउटफुल सिटीजंस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनपीआर अगर होगा तो एनआरसी हो जाएगा। सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी हैं। असम में लागू हुए एनआरसी की मिसाल देकर लोग एनआरसी का पूरे देश में जोरदार विरोध कर रहे हैं। असम में पिछले दिनों एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग है। एक महिला ने अपनी और अपने पति की नागरिकता साबित करने के लिए 15 तरह के दस्तावेज पेश किए, लेकिन वो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में हार गई और नागरिकता साबित नहीं कर पाई। महिला ने जब इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो वो वहां भी हार गई। दरअसल असम के बक्सा जिले के तमूलपुर के गुवाहारी गांव की रहने वाली जाबीदा खातून का नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गया था। मई 2019 में फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद जाबीदा ने खुद को भारतीय साबित करने के लिए 15 दस्तावेज गुवाहाटी हाईकोर्ट के समक्ष पेश किए, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह अपने कथित माता पिता और भाई बहन से संबंध साबित करने में विफल रही। असम में भारतीय नागरिक माने जाने के लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि वे या उनके पूर्वज 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक केस है, दो दिन पहले अखबार ने रिपोर्ट किया, हमारी एक बहन है जिसका नाम जमिंदा बेगम, उन्होंने हाई कोर्ट गुवाहाटी के पास 15 डॉक्यूमेंट दिखाए अपने, कितने 15 डॉक्यूमेंट्स। इन गुवाहाटी हाई कोर्ट अ मुस्लिम लेडी बाय द नेम ऑफ जमिंदा बेगम हैड शोन 15 डॉक्यूमेंट्स टू द गुवाहाटी हाई कोर्ट, और ये तमाम मेरे 15 डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी गुवाहाटी की हाईकोर्ट ने कहा कि तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्स का मामला नहीं है। आसाम में क्यों हाईकोर्ट ने फैसला किया, क्योंकि वहां पे एनआरसी हो गया। अब जमिंदा बेगम को उनके दोनों भाई इंडिया के सिटीजन, उनकी मां इंडिया के सिटीजन, मगर बेटी नहीं है, बहन इंडिया के सिटीजन नहीं है। ये क्योंकि आसाम में एनआरसी हो गया, अब जमिंदा बेगम सुप्रीम कोर्ट को जाना, उनका वोटिंग राइट छीन जाता, बैंक अकाउंट बंद, डिटेंशन सेंटर में जाकर सड़के रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनपीआर अगर होगा तो एनआरसी हो जाएगा। एनपीआर के बारे में, एनआरसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर फिर से झूठ बोले। ये हाल अभी तो सिर्फ असम का है, लेकिन अगर पूरे देश में एनआरसी लागू हुआ तो इनकी तरह कई लोग जो भारत के वासी हैं इस तरह की समस्या का सामना करेंगे। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुने वकीलों को शाहीन बाग में प्रोटेस्टर्स से बात करने के लिए भेजा गया तो उनके सामने शाहीन बाग की महिलाओं ने सीए एनआरसी को लेकर चिंता जताई। हमारी जेनरेशन को, आगे न जाने कितनी जेनरेशन को ये प्रूव करने में लग जाएगा कि हाँ हम इंडियंस हैं और हम घुसपैठिए नहीं हैं। हमारे बाप दादा यहीं पर पैदा हुए, यहीं रहे, उनका खून भी इस मिट्टी में शामिल है। और ये कोई ऑफिसर आएगा एनपीआर का जो एक्सरसाइज होनी है, एनआरसी का पहले तो कहा गया था कि आकर रहेगा और हर जगह आकर रहेगा, लेकिन फिर कहा गया कि अभी उसकी कोई बात नहीं है। हालांकि उसको भी, उस पे भी डाउट रखा गया है कि शायद वो बाद में ले आए, लेकिन एनपीआर की जो बात है तो एनपीआर अगर आता है तो वो एक्सरसाइज जो शुरू होगी वो हमारे घरों में आकर हमसे इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे, और फिर वो अपने ऑफिस में बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि हम जो हैं वो सिटीजन हैं या हम डाउटफुल सिटीजन हैं। तो ये डाउटफुल होना या सिटीजन
सिक्योरिटी होना ये वो ऑफिसर को किसने दी है? ये हम लोग लोग देश को बनाते हैं। गवर्नमेंट का काम है देश को आकर चलाना। और वैसे भी नारा तो ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि सबका साथ सबका विकास। हमें विकास की जगह विनाश क्यों नजर आ रहा है? हमें विनाश क्यों नजर आ रहा है? सबका विश्वास। इतनी औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुसलमान महिलाएं जिनके लिए ट्रिपल तलाक बिल आया, इनके विश्वास के बारे में कब बात की जाएगी? कब इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा कि अच्छा आप लोग परेशान हैं, आप लोगों को ये लॉ जो है उससे लग रहा है आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। और क्योंकि पूरा सिविल सोसाइटी, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ नहीं जानते, सिर्फ गवर्नमेंट जानती है सीए एक सिटीजनशिप देने का कानून है बल्कि लेने का नहीं, तो क्यों नहीं वो आकर हमें समझाते? क्यों नहीं वो हमसे बात करते? क्यों वो स्टूडेंट की आवाज से डरते हैं? क्यों स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने पे लाठियां मारी जा रही हैं? क्यों हमारे हाथ में अगर वॉलेट होते हैं तो उनको मीडिया स्टोन्स बताती है और स्टोन फेटर्स कहती है? अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि देश में एनआरसी लागू होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है, तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत, मैं बड़े अधिकार के साथ कहता हूं। सभापति महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, और एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है। लेकिन एनपीआर, एनआरसी और सीएए के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में राजनेता योगेंद्र यादव ने समझाया। ये सिर्फ पांच उंगली का खेल है, पांच उंगली की यात्रा समझ लीजिए। ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से, बड़ा साधारण सा काम होगा। अप्रैल के महीने में आपके घर कोई आएगा, सरकारी कर्मचारी, हो सकता है स्कूल के टीचर कोई आए, कहेंगे हमें आपके घर सिर्फ गिनती करनी है कितने लोग रहते हैं, बस नाम पूछेंगे, कब पैदा हुए ये पूछेंगे, आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, कोई प्रमाण नहीं मांगेंगे। उस वक्त आपको लगेगा छोटा सा मामला है। फिर दूसरी उंगली, ये डी वाली उंगली है। डी क्यों? क्योंकि आपके घर से जब एक बार ले जाएंगे लिख के, चुपचाप से उस लिस्ट का मूल्यांकन किया जाएगा, और कोई सरकारी कर्मचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे डी लिख देगा। डी का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद, जिस पर शक है। किस बात का शक है? कि ये भारत के नागरिक दरअसल है नहीं, किसी भी आधार पे डी लगा दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा। और मामला तीसरी उंगली पर पहुंच जाएगा, ये तीसरी और बड़ी उंगली है, ये है एनआरसी वाली उंगली। जिन लोगों के नाम के आगे डी लगा होगा, कुछ लोगों के नाम चिट्ठी आएगी और उन्हें कहा जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कैसे साबित करेंगे? सरकार ने आज तक नहीं बताया। हमारे पास सिर्फ एक असम का उदाहरण है जहां पहले हुआ है एनआरसी।
साधारण लोग कहां से जुटाएंगे प्रमाण पत्र? इसके आधार पे उनमें से कुछ लोगों ने जो आधार अपने प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे उनका मामला चौथी उंगली पे पहुंच जाएगा। ये चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की, यानी कि कहा जाएगा उस 50 में से समझ लीजिए 10 लोग बच गए जो प्रमाण नहीं दे पाए, जिनके पास कागज नहीं है 15 लोग बच गए, उनको कहा जाएगा अब आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। ये उंगली आखिरी मौके की उंगली है, आखिरी मौका दिया जा रहा है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, विदेशियों की अदालत है, अब उसमें जाके आप साबित कीजिए कि आप विदेशी हैं कि नहीं। अगर मुसलमान हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां अब CAA का खेल शुरू हो जाए। अगर मुसलमान हैं, आपको विदेशी माना गया है, तो अब आप तो विदेशी हैं ही हैं, चाहे आपके बाप दादा यहां पे 500 साल से 1000 साल से रहते आ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो पता है क्या है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए। अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले लोग, नेपाल की तराई में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, श्रीलंका के पास तमिलनाडु में रहने वाले लोग कहाँ से साबित करेंगे भाई कि हम पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए? फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अगर साबित आप नहीं कर पाए, जो लोग भी साबित नहीं कर पाए वो लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे और मामला अब चौथी उंगली से अब अंगूठे पे पहुंच जाएगा, अंगूठे तले दबने वाला। ये है डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल, विदेशियों के लिए बनी हुई खास जेल। भारत सरकार इसके नियम बना चुकी है। डिटेंशन सेंटर आसाम में बन चुका है, कर्नाटका में काम करना शुरू कर चुका है, बाकी 10 राज्यों में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर। जिस व्यक्ति के पुरख है पता नहीं कब से यहां पर रहते आ रहे होंगे, उसे अपनी ही मिट्टी में विदेशी बना के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाए। जो कुछ आज जाबीदा बेगम को झेलना पड़ रहा है, अगर पूरे देश में NRC लागू हुआ तो यही सब पूरे भारत को झेलना पड़ेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।